वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि बहुत ही गर्मी चालू हो गया है और मिडिल क्लास लोग के लिए तो भाई हालत ख़राब है। तो आप लोग के लिए लेके आया हूँ मैं बेस्ट एयर कूलर, जो कि देखने में सेम टू सेम एसी की तरह है, लेकिन वो एसी नहीं है। उसका कोई आउटडोर यूनिट नहीं है, वो सिर्फ एयर कूलर है। और भाई हवे की बात करो तो एक नंबर, मज़ा आ जाएगा आप लोग को। लेकिन हाई स्पीड है इसलिए थोड़ा साउंड आता है उसके अंदर, ठीक है, हमिंग का नहीं, लेकिन एयर का जो होता है हाई स्पीड में जो एयर का साउंड होता है वो आता है। तो चलिए फटाफट प्यारे से इंट्रो के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पूरा देखना और अच्छा लगा तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं। With remote invite, this 15 liters wall mount air cooler comes with water tank alarm and is ideal for a room size of 57 cubic meters. It comes in a size of 92.1 by 33 by 41.6 centimeters and weighs 10.3 kilograms. The electronic humidity control, automatic horizontal and vertical swing, fan with 4-speed cooling and cool flow dispenser oscillates non-humid cool air in the room. The intelligent remote control is equipped with 10-hour timer, fan, swing and cooling settings. So I'll hold back, and you should know that no fact is never good. ये है अपना एयर कूलर, इसके साथ में आया है इसका छोटा सा रिमोट जिसके ऊपर डिस्प्ले है, और इसके साथ आया है इसका पंप जो कि पानी खींचने का आ जाएगा। तो इसको बाल्टी में ऐसा डुबा के रखेंगे तो ये पानी अंदर फिल अप कर देगा। तो आगे दिखाता हूँ इसका मैं कुछ फीचर्स। इस तरीके से अपना ये दीवार में हैंग हो जाता है। क्लाउड जो कि सेम टू सेम एसी की तरह दिखता है, इसके मैं कुछ फीचर्स आप लोगों को दिखाऊंगा जो इसके बैक साइड में आप देख सकते हो। इसके बैक साइड में आ जाता है इसमें आप लोग को टैंक फिलअप के लिए ये आ जाता है। इसमें आपका पंप कनेक्ट होता है, ये इसका पंप है, यहाँ पे टैंक फिलअप के लिए यहाँ पे दिया है, हुक दिया हुआ है लॉक सिस्टम में, इसके अंदर अपने को लॉक करना रहता है। इस तरीके से प्रेस करके जैसे लॉक हो जाता है। यहाँ पे दिया है अगर आपको पंप से पानी नहीं चढ़ना है, ऑनलाइन टैंक से कनेक्शन देना, तो आप इसमें दे सकते हो। यहाँ पे ये ऑनलाइन हो जाता है, इसमें ऑटोमेटिक फ्लोट वाल्व दिया है जो कि पानी भरने के बाद ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है। और जब भी इसका जो पानी अंदर गंदा हो जाता है, कभी इसमें आता है कुछ इश्यू आता है, पानी सब चेंज करना है, तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सेम टू सेम वाल्व दिया हुआ है, यहाँ पे पाइप कनेक्ट करके आप यहाँ से इसको ड्रेन कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, यहाँ तक पंप हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी कुछ हम जब चालू करके देखेंगे तो ये कैसे चलता है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। बंद कर कुछ रिमोट कुछ इस तरीके से, इसमें आता है डिस्प्ले और हमने दे दिया था अभी पावर कनेक्शन इसको, और तो हम चालू करते हैं। इसमें आता है पावर का ऑप्शन जो कि चालू करने के बाद कुछ इस तरीके से 3 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक विंडो ओपन होता है, कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाते हैं। इसमें आता है सबसे पहला पावर ऑफ का और ऑन का ऑप्शन आ जाता है, और दूसरा ऑप्शन आ जाता है इसमें टर्बो का, जिसे स्पीड हाई चाहिए तो टर्बो कर देने का। टर्बो का हाई स्पीड चलता है जब फुल, थोड़ा साउंड आता है, लेकिन अगर रात के टाइम पे साउंड ज़्यादा आता है तो आप इसे साइलेंट मोड पे चलाएं। इसमें साइलेंट मोड दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करते हो तो साइलेंट चलेगा और जो है एयर थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन टर्बो पे चलाओगे तो जो होता है फ्लो थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है इसमें फैन स्पीड कंट्रोल, इसमें 3 स्पीड आता है वो आप कंट्रोल कर सकते हो 1, 2, 3 करके। दूसरा आता है इसमें टाइमिंग का, टाइमिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें ऑप्शन आता है जितने घंटे के बाद में भी आपको चालू करना हो, आप 1 बार
स्लिप करके 2 बार 3 बार उसमें आवर्स लिख के आता है 1 टाइम 3 टाइम, जितना आवर्स आपको चाहिए उतना आवर्स क्लिक कर देंगे, चलने के बाद में ऑटोमेटिक मशीन बंद हो जाता है। तीन घंटा सर आप सेलेक्ट करते हो तो 3 घंटे के बाद में ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। उसके बाद आता है कूलिंग ऑप्शन, वो आपको हमेशा चालू करना ही है, जब भी आपको ठंडा चाहिए तो कूलिंग आपको चालू करना ही है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको इससे पानी फिलअप करना पड़ेगा, जो कि इसमें दिया है ऑप्शन फिलअप वाटर करके ऑप्शन दिया हुआ है रिमोट में, फिलअप वाटर जो कि आपका एक पंप है कुछ इस तरीके से, ये आपका पंप है, नीचे बाल्टी में आपको डुबा कर रखना है इसे और आपको यहाँ से फिलअप कर देना है, ठीक है। ऑटोमेटिक वो पानी ले लेगा, जितना भी उसको पानी चाहिए ऑटोमेटिक वो पानी ले लेगा। उसके बाद में आ जाता है अपना हॉरिजेंटल स्विंग एंड वर्टिकल स्विंग, इसके अंदर आप देख सकते हो लेफ्ट राइट के लिए हो जाता है और अप डाउन के लिए भी हो जाता है, तो ये चारों साइड एरिया जो होता है वो कवर करता है, ऊपर भी करता है, नीचे भी करता है, लेफ्ट साइड भी करता है और राइट साइड भी करता है, तो पूरा एरिया जो है वो आपका कवर कर लेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा साउंड होता है क्योंकि इसमें एक मोटर पर 2 ब्लोअर चलता है, एक ही मोटर है लेकिन उसमें 2 ब्लोअर चलता है, एक ही मोटर से 2 ब्लोअर चलता है, तो उसमें थोड़ा क्या है हाई स्पीड भी है तो थोड़ा नॉर्मली साउंड आएगा ही, हाई स्पीड कोई भी चीज़ हो फैन हो या फिर कूलर हो कोई भी अगर हाई स्पीड है तो थोड़ा सा साउंड आता है। लेकिन इसमें ऑप्शन दिया है कि आप साइलेंट भी चलाना चाहते हो साइलेंट भी आप चला सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हमारा ये एयर कूलर चालू है जो कि साइलेंट मोड पे चल रहा है और यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लाइट बिलिंग हो रही है कि पानी फिलअप करें, इसमें पानी नहीं है इसलिए यहाँ पे इंडिकेटर में दिखा रहा है कि आप पानी फिलअप करें। ये अभी साइलेंट मोड पे है, इसमें एक दूसरा ऑप्शन आता है टर्बो का जिसमें थोड़ा साउंड होता है लेकिन हाई स्पीड रहता है। एक बार मैं आपको रिमोट पे दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से रिमोट है, इसमें यहाँ पे अभी दिखा रहा है आपका वर्टिकल स्विंग हॉरिजॉन्टल स्विंग ऑन है, ऊपर फैन का दिखा रहा है और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया है फर्स्ट में टर्बो। अगर मैं टर्बो ऑन करता हूँ तो थोड़ा सा साउंड इसका जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि हाई स्पीड है ऑलरेडी, ठीक है, इसमें थोड़ा सा। और आप यहाँ पे दिया हुआ है साइलेंट का, आप साइलेंट ही चलाना चाहते हो तो आप साइलेंट पे आप चला सकते हो, ठीक है। यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हो, फैन का दिया हुआ है, टाइमिंग का दिया हुआ है और वर्टिकल का स्विंग दिया हुआ है, अप डाउन भी हो रहा है और लेफ्ट साइड और राइट साइड भी होता है इसमें, ठीक है। और अगर हम इसको हम ऑफ कर देते हैं, जैसे कि हम इसको ऑफ कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक इसका जो आगे का विंडो है वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। ये सेम टू सेम इसमें कुछ फीचर्स दिए हुए हैं जो कि सिम्फोनी के सभी एयर कूलर्स में ज़्यादातर आता ही है, देख सकते हो स्मेल फिल्टर है, डस्ट फिल्टर है, तो बहुत सारा दिया हुआ है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे नो आउटडोर यूनिट, इसका कोई आउटडोर यूनिट नहीं है। ये आप यहाँ देख सकते हो कुछ गोबर्स का लिखा हुआ है डोंट, इसको हाथ से नहीं खोल सकते हम, ऐसा खोल नहीं सकते, ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक होता है। मॉडल आता है ये क्लाउड, ठीक है, मॉडल है। और साइड्स की बात करो तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें आ जाता है ब्रांड का जो है सर्विस का कुछ डिटेल्स, अगर सर्विस चाहिए तो आप नंबर दिया हुआ है इस पर कॉल करके आप सर्विस के लिए बुला सकते हो। टॉप की बात करते हैं, यहाँ पे आता है इसका पीसीबी कार्ड, यहाँ पे दिया हुआ है थोड़ा एयर रिलीज के लिए क्योंकि यहाँ पे लगा है पीसीबी कार्ड, ज़्यादा हीट ना हो उसके लिए दिया हुआ है। और देखने पे आपको सेम टू सेम एसी का ही जैसा लगेगा। बैक साइड की बात करो तो बैक साइड आपको देखने को मिल जाएगा, बैक साइड आपको देखने को मिल जाएगा जाली, जो कि आप क्लीन करना हो तो आप खोल के क्लीन कर सकते हो। यहाँ पे आ जाता है घास, यहाँ पे आ जाता है डस्ट नेट, जो स्मेल फिल्टर होता है वो छोटा छोटा फिल्टर दिया हुआ है, स्मेल फिल्टर है और दूसरा भी 2-3 फिल्टर दिया है, वो सब दिया हुआ है यहाँ पे, 2 साइड दिया हुआ है आपको, ये आप क्लीन कर सकते हो। कुछ इस तरीके से ये फ्लोट वाल का है जो कि मैंने बता दिया है। दूसरा यहाँ पे है पानी ड्रेनेज के लिए दिया है ये वाल, यहाँ से आप पानी ड्रेन कर सकते हो, यहाँ पे पाइप लगा के पानी ड्रेन कर सकते हो। ये लॉक सिस्टम आता है, इसे खोल सकते हो। यहाँ से ये आपका इनपुट है जो कि बाल्टी से आप पानी भरते हो मोटर से। इसके आ जाते हैं 2 स्टैंड, आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से स्टैंड रहते हैं, ऐसे दीवार पे हो, ये दीवार पे ऐसे वो वॉल हो जाएगा और इस पर आपका जो है मशीन हैंग हो जाएगा। भी प्लास्टिक है लेकिन हैवी प्लास्टिक है जो कि गिरेगा नहीं। तो जैसे कि मैं आप लोग को दिखा दिया हूँ एयर कूलर, तो
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, और लाइक तो जरूर करना, क्योंकि आप लोग लाइक करते तो ही मुझे मालूम पड़ता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी पसंद आई है कि नहीं पसंद आई है। और नहीं भी पसंद आया तो डिसलाइक कर दो, वैसे भी कौन सा पैसा लगता है या ज़्यादा आपका नेट खा लेता है यार, लाइक कर दो डिसलाइक कर दो क्या दिक्कत है, कम से कम मालूम तो पड़े कि वीडियो कैसी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा।